हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी। एक मिनट सीरीज चल रही है, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं देंगे हम। डायरेक्ट बात करेंगे कि आप फेसबुक पे अपना अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट कर सकती हो। सिंपल सा प्रोसेस है, एक मिनट में बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जैसा कि मैंने एक मिनट मेंशन किया है। बात कर लेते हैं प्रोसेस की। अगर आप फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, डिलीट कर सकते हो यानी परमानेंट डिलीट। अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो यानी कुछ समय के लिए आप अकाउंट बंद रखना चाहते हो, जब मन हो फिर उसे रीएक्टिवेट कर सको। सबसे पहले फेसबुक ऐप ओपन कर लेते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद राइट साइड ऊपर देखिए मैसेंजर ऑप्शन है, मैसेज ऑप्शन है। नीचे यहाँ पर देखिए प्रोफाइल फोटो आइकन है, प्रोफाइल फोटो आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर नीचे ये नीचे देखिए ऑप्शन है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सिलेक्ट करना है। ऊपर ऑप्शन है सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करते हो। नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मैनेज अकाउंट, मैनेज अकाउंट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डीएक्टिवेट, लेकिन यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं होता है तो यहाँ से बैक करना जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से बैक कीजिए और यहाँ पर नीचे आइए। और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है एक्सेस एंड कंट्रोल, एक्सेस एंड कंट्रोल ये सेटिंग सिलेक्ट करना है। और ये सेटिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है डीएक्टिवेशन एंड डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डीएक्टिवेशन हमें डीएक्टिवेट करना है। और नीचे यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं, डीएक्टिवेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट। अगर आप फेसबुक अकाउंट परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से डिलीट अकाउंट सिलेक्ट करना है। अगर डीएक्टिवेट करना चाहती हो, डीएक्टिवेट अकाउंट ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हमें डीएक्टिवेट करना है। तो यहाँ से मैं डीएक्टिवेट अकाउंट सिलेक्ट करूँगा। फिर नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन, और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आपके उस प्रोफाइल से जितने भी आपने पेज क्रिएट किया होगा वो पेज और प्रोफाइल यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आपको प्रोफाइल डिलीट करना है या फिर पेज डिलीट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहां से प्रोफाइल सेलेक्ट करती हो, आपका जो पेज है वो भी यहां पर रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से प्रोफाइल इस तरीके से सिलेक्ट करना है। फिर नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर पासवर्ड एंटर करना है, और यहां पर मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से पासवर्ड एंटर कीजिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको फेसबुक पासवर्ड पता नहीं है कैसे पता कर सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, वहाँ से वीडियो देखकर फेसबुक पासवर्ड पता कर सकते हो। या फिर आई बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड देख सकते हो, ठीक है। वीडियो देखकर आप पता कर सकते हो अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड। फिर आपको यहाँ से एक रीज़न सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे रीज़न है, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा दिस इज टेम्प्ररी आई विल बी बैक, ठीक है। हमें बैक करना है, हमें डीएक्टिवेट करना है, सो ये रीज़न आपको सिलेक्ट करना है। और नीचे आपको कोई और रीज़न नहीं देना है। फिर नीचे आइए, नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पर देखिए टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आइए, और नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रीएक्टिवेट योर अकाउंट, और यहाँ पर ये आपको ये बोलेगा 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है डोंट रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये रीएक्टिवेट ना हो। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कीजिए कंटिन्यू। जैसा आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, ये आपसे कहेगा अब भाई डेटा वेटा जो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, फिर बाद में यूज़ कर सको। यहाँ पर नीचे आइए, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर ये डीएक्टिवेट माई अकाउंट यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपका जो मैसेंजर है वो चलता रहेगा, और फेसबुक में आपका जो भी फोटो वोटो है वो सब यहाँ पर हाइड हो जाएगा, किसी को शो नहीं करेगा, प्रोफाइल भी विजिबल नहीं होगा। अगर आपका मन करे फिर से आने का, फिर से लॉगिन कीजिए और आपका फेसबुक अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पसंद आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो।